नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तैयारी क्या चल रही है वो थाने बेरे मन को बेरो, लेकिन तैयारी थोड़ी थोड़ी करता रहो। अपना दो टॉपिक्स आगे चल रहे हैं, देखो टाव, एक चल रहे पशु परिचर, एक चल रहे अपनो गांधी जी, और दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को आप पहली तो आधार कार्ड तैयार करियो, माता पिता दादा ताऊ जो भी है, बेटा पोता पत्नी सब देख लिए। फिर हम गांधी जी को ले गए दक्षिणी अफ्रीका, वहां बहुत सारे कार्य किए और बहुत सारे बच्चे बड़े सीरियस पढ़ ले इस टॉपिक को, क्योंकि एक इनसे संबंधित क्वेश्चन डाला तब उसके कमेंट आए कि सर हम आपसे पढ़ रहे हैं गांधी जी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो, साथ में फुल डिटेल से चल रहा है। अब गांधी जी भारत में आ गया, भारत में आश्रम वगैरह स्थापित कर लिए, फिर बोले पूरे भारत को एक साल भ्रमण करके बोलने को नहीं, अभी तक तुम भारत के बारे में कुछ नहीं जानते, यू नोट नो एनीथिंग इन इंडिया अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में तुम लोग गांधी जी थे कि कौन जानो, थे दक्षिण अफ्रीका में काम करया, कालिया भंगुआ अठे अलग बात है, बोल भारत को भ्रमण करियो। अब गांधी जी की धीरे 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 तीन आंदोलन नाम इंट्री में, तीनों आंदोलन एक नाम है चंपा, ठीक है, चंपा गैड़ी खेत में, और वो खेत पड़े हो अहमदाबाद में, सर यो केस उत्तर है। ए गांधी जी का तीन शुरुआती आंदोलन है कि चंपा नाम की छोरी, कोई गलत नाम नहीं, कोई चंपा है तो देख, चंपा गई खेत में, खेत अहमदाबाद है, यानी गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह है चंपारण, फिर खेड़ा, ये दोनों लमसम बराबर से ही चलते हैं, ठीक है, खेड़ा के खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद। अब देखो के बात बने भक्तों, और के वह किया गांधी जी की चंपारण, चंपारण पड़ता है बिहार में, कैसे गांधी जी की बिहार आंदोलन में एंट्री होती है, किस प्रकार एक कहानी बनती है। चंपारण में एक चीज चालती, के चीज चालती, तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया यानी इत्ता परसेंट, यानी गुणा 100 20 50 100 15, यानी आपकी कुल भूमि का 15% भूमि पर नील की खेती थाने करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है करना ही पड़ेगा। ये नेपाल से सटा वहां नजदीक, वहां एक जगह है चंपा। अब टावरों का ही हो, मैं देखो रिकॉर्डिंग तो चालू हो गई या नहीं, मैं जग लियो पूरो, फिर मैं बाद में समझ में आप मर तेरी, ओके ठीक है चालू। तो नील की खेती की एक जिया, नील के काम आओ टावरों, नील काम आवे कलर देने में, ओ जो कपड़ा वो कलर है नीलू को दे दो, केमिकल दे दो, पहले कपड़े में कलर नीलू दियो जातो, लेकिन धीरे धीरे केमिकल आऊ यूज होने लगा, आजकल केमिकल दे जे। अब जब केमिकल आने बाद एक तो कोई ज्यादा वैल्यू कौन रही, किसाना पर पाबंदी, रुपया ज्यादा किसाना का बन रहा कौन, किसान ही चीज परेशान, तो बठे को एक बड़ो किसान हो जके को नाम हो राजकुमार, कहाँ का राजकुमार है चंपारण का, राजकुमार शुक्ल, वो थोड़ो बहुत ही आंदोलन को विरोध करियो, लेकिन बेचारे कोई ज्यादा सफलता को नहीं। फिर कोई आदमी इन कहो कि एक काम कर भाई, लखनऊ में एक सम्मेलन हो रही है कांग्रेस को, बी सम्मेलन में आवेगा बाल गंगाधर तिलक, और तू जा तिलक जीव मिल, बात समझियो भक्तो, कि राजकुमार शुक्ल आए तिलक जी मिलन ने लखनऊ, बोले वो बैठे लोग पूछो थे, बोल मैं चंपारण बिहार हूँ, हेड बोले अच्छे क्या हेड आओ, बोले यार मारे ही आंदोलन है यार, मैं चाहूँ कि तिलक जी थोड़ा मारो सहयोग कर दे, तो बोले यार तिलक नहीं यार गांधी ने पकड़, ये आदमी ना अनुभव आदमी है, अनुभव आदमी गांधी ने आयो, तो वो तिलक खातर हो, लेकिन लोग बैठेगा बोले अरे गांधी ने पकड़। अब भी सत्य मीटिंग है इधर, गांधी जी को गहने गहने बैठा होगा, क्योंकि अभी तक बात 1917 की, भारत में गांधी जी की इतनी कोई पब्लिसिटी है को, लोग सेल्फी वगैरह ले रहे को नहीं, ऐसा अभी तक ज्यादा फेमस को नहीं है, ठीक है लाइक कमेंट कम आ रही है। तो राजकुमार जी गांधी जी पीछे पीछे बैठा, और धीरे सी रामा श्यामा करी कहे गांधी जी राम 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 राम, तो अपा मैं चंपारण को एक किसान हूं, मारे बैठे एक समस्या है, गांधी जी अपनी पुस्तक में भी लिखते हैं मैंने चंपारण नाम पहली बार छू, और छोटी सी जगह अभी क्यों सुनेंगे, बोल तो आओ थे आओ, बहुत समस्या है, थाने सारी समस्या मैं बैठी बताऊंगा, थे आओ। अरे यार गांधी जी जानो भी कौन सा वा इतनी दूर, गांधी जी मैंने ट्रकायो आऊ आऊ, यहां कहेगी गांधी जी ने ट्रकायो कौन से सम्मेलन में लखनऊ, पर बायो पूरा होशियार आती कितो ही ट्रकाओ लेगी जाऊंगा गांधी जी। अब गांधी जी गई थोड़े दिन बाद कानपुर, अब
राजकुमार शुक्ल बैठा लियो। पहचान कौन? बोले तन क्यों कौन पहचानो, तो तुम लेडो पे लियो महाराज, कानपुर आइडाहो, चंपारण नजदीक है, चालो नहीं गांधी जी फेटर का दी। आज मैं यार क्या मिक रही, आज मैं आज। अब गांधी जी आइडा अहमदाबाद, ए थाने को रटना है, मैं सिर्फ बता रही हूं, ए थाने रटना को नहीं है गठाइडा था, नहीं तो यात्रा की राजकुमार शुक्ल से मुलाकात का सिर्फ लखनऊ यात्रा में, बाकी ना फंसी हुई। अहमदाबाद में आश्रम में गांधी जी पूजिया है, अहमदाबाद जा लियो गांधी जी जो मांग तोड़ो गए, फिर एक ने जो राजकुमार शुक्ल गए लोगे। गांधी जी बोलिया मैं वादो करूं आज। अब गांधी जी थोड़ा लिख है मेरे यहां थोड़ी सी होगी कि यार नेट ने वादो करियो अपन जानो तो चाहिए। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी बोलिया कि देख मैं कलकत्ता जा रही हूं और तू आज ही मुलाकात कराऊंगा। आ लिख है कि गांधी जी कलकत्ता पहुंचा नहीं, राजकुमार शुक्ल आगे ही बैठे हो कि हाँ गांधी जी अब तो चल लो। गांधी जी एक बात लिखते हैं राजकुमार शुक्ल के लिए कि इस अपढ़ और इस अनपढ़, लेकिन कि राजकुमार शुक्ल अपढ़ है अनपढ़ है, लेकिन ये निश्चय ही जो है वो किसान था जिसने मुझे जीत लिया, एक दृढ़ संकल्प वो किसान जो को मन जीत लिया और मन मजबूर कर दियो गठे जाने खातर, चंपारण जाने खातर। गांधी जी जल्दी सी मान्या को नहीं, क्योंकि एक दूर की जगह ही इतनी रुचि को नहीं, गांधी जी के देखांगा देखांगा। चलो भाई टावरो कढ़े चंपारण सत्याग्रह, बात थाने बताई दी कि वो चंपारण सत्याग्रह। चंपा कितना साल की है? 17 साल की, बे 18 की है। 17 साल की चंपा गई खेत में, खेत पड़े अहमदाबाद है, ये याद रखियो। गांधी जी कलकत्ता में बैठे आए और सीधा पहुंचा पटना, उस टाइम रेल लाइन चलिया करती, और बठो पूछा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर एथेर नारटियो थार तो काम ही बात मैं आपकी बताती हूँ बस। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति मिले, व्यक्ति को नहीं बी टेम, वो प्रोफेसर हो, मुजफ्फर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जिसका नाम था जेबी कृपलानी, जो झंडा समिति के अध्यक्ष भी बने थे बाद में। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, बहुत बहुत स्वागत है थारो गांधी जी, बहुत स्वागत है। और मुजफ्फरपुर में गांधी जी की पहली मुलाकात हुई राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। गांधी जी राम 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 राम, राम राम सा, राम राम सा, यानी ई आंदोलन में जिस आंदोलन में जागा अभी राजेंद्र प्रसाद है, नारायण सिंह है, जेबी कृपलानी है, ब्रज किशोर है, ए नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए जो मैं बोले, और बाकी था नोट साम सारा मिल जाएगा, सिर्फ एक बार सुन लियो, सुनेडी चीज भी याद रहे। एक व्यक्ति था एन बी रंगा, उसने तो इस सत्याग्रह का विरोध भी किया था। अब गांधी जी जिया ही पूछा चंपारण में, भीड़ आगे तैयार हो रही, पहली जी नारा लाग रहा गांधी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, इतनी भीड़। और गांधी जी ने बताया बोलो रे भीड़ तो रुको रुको मन बात बताओ की है। बोलो गांधी जी बहुत दुखिया, तीन कठिया पद्धति, नील की खेती अनिवार्य खेती करनी पड़े, मैं परेशान हो रहा, मैं कौन करना चाहूँ। बोलो बात थारी जाई जाए, अरे इतनी भीड़ ने देखे धारा 101 ले गया गांधी जी ने गिरफ्तार करके, और गांधी जी ने पेश कर कोर्ट में, और कोर्ट आ गए भीड़ भीड़ियों की। जज साहब, जज साहब देखे यार आदमी कोई तकड़ो ही है, गांधी जी को छोड़ दिया था। फिर एक कमेटी बनी, सिफारिश हुई, बोल गलत हो रहा है, मैं टिड्डू क्या हो रही हूँ, सही देख रही हूँ टावर था मेरे को, अच्छा इनने मैं देखूँ क्या लगा टिड्डू देख रही हूँ, फिर बता देख रहे हो एकदम सही देख रहे हो मुझे, कहीं मेरे को पड़े माइक। और गांधी जी को वो सत्याग्रह सफल हो, अंग्रेज बोलिया बिल्कुल गलत हो रहे, तीन कठिया पद्धति करा बंद, नील की खेती कोई जरूरी को नहीं। और गांधी जी को जिये ही वो आंदोलन सफल हो, रविंद्रनाथ टैगोर बोलिया यार भाई यार तू तो वास्तव महात्मा ही है, मान गया भाई तन मान गया, आई एम सैल्यूट यू, क्या बात है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी ने एक उपाधि दी महात्मा की, तो गांधी जी बोले थे मैंने एक उपाधि जलाई है, तो उपाधि जलाने मेरा रुपया तो लागे कोई नहीं, एक मैं भी थाने जला दी हाँ, एक उपाधि जलाई गुरुदेव, तो अन के बोले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों आदान प्रदान करे है उपाधियां, ठीक है सर। ये है चंपारण सत्याग्रह, क्या बात है सर, कितना इजी है बच्चों, बहुत इजी है। कौन सा सत्याग्रह पहला? चंपारण। अब थारे एग्जाम के लाइक की चीज इंपॉर्टेंट है, बात मेन बाय चंपारण कहां पड़ता है? बिहार।
याद रहे जी, किंग है आगरा पर, राजकुमार शुक्ल का आगरा पर, गठे मुलाकात हुई लखनऊ में, ठीक है। के चाल्याकर तोट है, तीन कठिया पद्धति, 15% भूमि पर नील की खेती अनिवार्य। इसमें गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र जेबी करप्राणी वगैरह, वो गांधी जी के सहयोगी नाम याद रखना, नोट्स बाद में बनाते रहना, शॉर्ट में भी। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। गांधी जी का वैसे सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण। कितना साल की चंपा है? 17 साल। अगलो दूसरो कौन सा बताए? तीन आंदोलन आपको पहले पढ़ांगा, चंपारण, दूसरो है खेड़ा, दोनों 18-18 में है। बी एक्चुअल डेट थे याद करो तो अच्छी बात है, 22 मार्च 1918। सर खेड़ा कहां है? खेड़ा टावरों पड़े गुजरात में। बिया कोई विशेष घटना तो ठे को नहीं, कुनबी पाटीदार किसान, सीधा याद रखो किसान, अब के अठे के किसाना, एक तो प्लेग आ गयो, एक काल पड़ गयो। अब नियम के वे नियम हो गए, अठे पहली जो आंदोलन चले वो मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में चले, वो थोड़ा सो ध्यान रखियो, मोहनलाल पांड्या जी हाँ थे, केसीसी लियो, और किसानांग अगर कुछ हुए नहीं तो केसीसी माफ भी करनी पड़े। नियम हो गए कि अगर आप किस खेत में कुछ होगा तो ही लेंगे, अब अठे खेत में कीमी हो रही हो कोनी, काल पड़ रही है, फिर भी कह टैक्स लिया यार, गलत बात है थारी। बोले किन बुलावा? बोले एक एफएम से एक आदमी हो, बड़ो फेमस है, डांग रखे हाथ में, कहे अंग्रेज बॉर्डर है, बिल लियो। और गांधी जी की होगी एंट्री 22 मार्च, आंदोलन पहली भी चाल रही है, बोले तैयारी बैठे हूं भाई, गांधी जी की एंट्री, ठीक है। ये आंदोलन में गांधी जी के साथ, क्योंकि गुजरात का एक फेमस व्यक्ति है सरदार पटेल, सरदार पटेल भी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ में थे। विठल भाई इंदुलाल याग्निक, विठलाल ए भी गांधी जी गई आंदोलन में शामिल। थोड़ा सरदार पटेल को ध्यान रखियो, क्यों? क्योंकि बारदोली की महिलाओं से गांधी जी ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दिलवाई थी, किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो जी गांधी जी आया तो थोड़ो आंदोलन थोड़ो सा उग्र रूप लेना, क्यों? पहली सार्वजनिक घोषणा तो कौन करी के थार, कौन टैक्स को लिया, लेकिन टैक्स लेना बंद कर दिया था, तो गांधी जी की दूसरी जीत होगी भाई, होगी होगी। पहला अहम चंपारण, दूसरों खेड़ा। चंपारण में कौन थे? किसान। यहां कौन थे? किसान। और जब भी चुनाव है एक ही बात है, किसान भाइयों, किसान भाइयों, किसान भाई तो गांधी जी का नहीं हो गया। दो बड़े वर्ग थे भारत में, किसान वर्ग एक मजदूर वर्ग। अब जो वो एक मजदूर वर्ग सा गए, यानी पहला सत्याग्रह चंपारण, फिर खेड़ा, और तीसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर घटना। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कह दो या घटना कह दो, जो भी लिखो पथारी मची, ठीक है। 15 मार्च 1918, तो कई बार पहली इन्हें भी लिख सकता, वो 22 मार्च है, 15 मार्च है, तो आगे पीछे किताबों में लिखे हुए, क्यों वो पहली उचाल रही हूँ, 22 ने गांधी जी की इंटरव्यू, दबंग इंटरव्यू फिल्मी स्टाइल में, तो 22 मार्च हो गया, ठीक है। गुजरात में सबको पता है, भारत में इस समय प्लेग फैला था, क्योंकि 1921 में वर्दी दर घटी थी, थारे याद है, तो प्लेग फैले भाई, लोग तो डरेगा, वहां कोरोना की सी बात है, टावर कोरोना में लोग तो डरेगा, घर घर का भी तो भाग जाएगा। तो मालिक जका नहीं, फैक्ट्री का मालिक, वह किसान एक लालच दियो मजदूरान, कह रहे गरे क्या मी बाजो, थार 50% बोनस दे दिया, यानी बोनस की बात ही, बोल बोनस बढ़ा देंगा। अब क्यों हो कि धीरे धीरे प्लेग बीमारी खत्म होगी, एक टाइम बाद खत्म तो होगी, लेकिन मजदूरी बात खातर अड़ रहा है कि मारा बहुत नुकसान है, मारो 50% बोनस बढ़ाओ थे। कौन कह रहे है? फैक्ट्री का मजदूर कह रहे हैं 50% बोनस बढ़ाओ, मालिक के बढ़ाईड़ी है 50%, दौड़ देखियो 20% ही बढ़ाऊंगा, मालिक तो कह 20% ही बढ़ाऊंगा, मजदूर के 50। बोले रे मार्ग ने एक दबंग आदमी है, हूं दबंग दबंग मैं ले आऊंगा भी, और रिक्वेस्ट करी गांधी जी, और गांधी जी मारी एंट्री। साले हाले सारी कंट्री जब गांधी जी हुए एंट्री, गांधी जी आया, और गांधी जी आगे मालिक को मिलिया, क्यों मालिक को मिलिया? फैक्ट्री यार मालिक भैया तो बतावे कि वो गांधी जी को भी फैन ही हुई प्रकार, लेकिन थोड़ा यहां मतभेद है, ये अंबालाल था तो मिलिया अंबालाल, बोला अंबालाल देख तू भैया तो मेरे फैन ही है, तू मन जमीन वगैरह भी दी, और लेकिन अठे गलत हो रहे, देख मैं गलत के फिर अब यारी दोस्ती कुछ नहीं, बढ़ा दे बेचारा है गांधी जी धंधे के बीच में नहीं यारी
और बढ़ाओ 20%। गांधी जी 12 आगे बोले आ रहा है मजदूरियों 21 दिन हड़ताल चलिया, थे काम करो भूख हड़ताल पर बैठ जाओ। अच्छा बैठ गया, लेकिन कोई ज्यादा इफेक्ट कौन पड़ रहे हो, प्रभाव नहीं पड़ रहे। मजदूर बोले गांधी जी मैं भूख हड़ताल बैठा थे मजा ले रहे हो, आओ नहीं थे ही, थे ही बैठो। पर गांधी जी बैठा भूख हड़ताल पर बैठता ही मजदूरों को हौसलो बुलंद, मालिक को हौसलो डाउन। इन मां अंबालाल की बहन ही अनसुईया में, अनसुईया भी गांधी जी के साथ गई, और थोड़ा नाम याद रहा क्योंकि मेरे कोई पूछ लिया। एर बोलिया भाई जी मैं एक काम करो गांधी जी, थारी बात भी जान दो 50%, मारी बात भी जान दो 20%, तारी बीच विचारो कर लियो। कई बार वह नहीं दो जना लड़ लाई जाके मैं 1.5 लाख दूंगा और मैं 1 लाख दूंगा, बोले यार दोनों आगे जान दो यार बिचौलियो करो के 1.25 लाख में कर लियो, तो दोनों आगे जान दो थारो 35% बोनस डन डन डना डन होगी बात। यानी गांधी जी आया और मजदूर आंगन ने सागे कर दिया 35% बोनस, मजदूर तो लगा ला गया गांधी जी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा। अरे वाह, पहलो वर्ग किसान गांधी जी के सागे, दूसरो वर्ग मजदूर गांधी जी के सागे, हड़ताल। और अब नयो प्रश्न उभरियो के भारत में गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस साल, पहला आंदोलन कौन सा है, चंपारण, पहलो भूख हड़ताल अहमदाबाद मील मजदूर घटना, यहां गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल दिया। यहीं से गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ट्रस्टीशिप सिद्धांत। सर क्या है ये, यानी एक ट्रस्टीशिप बननी चाहिए, मजदूरों कोई भी नुकसान हुए और वह तो मालिक की एक जिम्मेवारी बने है कि भूमि में सहयोग करे, ट्रस्टीशिप सिद्धांत है। बोलियो जी टावरों, तीन आंदोलनों जिक्र करिए टापरों में, कौन सा पहलो आंदोलन में कौन सो करियो है, चंपा। चंपा कितना साल की है, मात्र 17 साल की, पोक्सो में चंपा गठे गई थी, खेड़े में खेड़ो गठे पड़े, खेड़े में जाता ही चंपा पूरी 18 की होगी, और इंगे बाद में चंपा खेड़ो गठ पड़े अहमदाबाद में, वो गठे 1918, ठीक है। किसान तीन कठिया पद्धति, खेड़े में नॉर्मल बात है, बस ऐसी याद रखना है, ये गुजरात में है, अहमदाबाद मील मजदूर 35% बोनस दिला के इनको तैयार किया। अब गांधी जी की चौकी पब्लिसिटी होगी, गांधी जी चौखा हो गया फेमस। अब एक गांधी जी को बहुत बड़ा आंदोलन आओ, बड़ा इंटरेस्टिंग आंदोलन आएगा, लेकिन आएगा कल, साथ साथ आराम से पढ़ो, अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना कितना समझ में आई ये आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, थोड़ा कमेंट कर देख लो, थोड़ा मन में भी एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ओके।